तो जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होंगे। तो चलिए, आज हम आ चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पे आ चुके हैं और जो आज की हमारी जर्नी होने वाली है काशी मतलब बनारस पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में। तो अपनी बनारस पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस लगी है बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे और आइए चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पे और बोर्ड करते हैं ट्रेन को और दिखाते हैं ट्रेन की कंडीशन। आप देख सकते हैं बनारसी रेलवे स्टेशन को, बनारस रेलवे स्टेशन कितना साफ सुथरा और आकर्षक भव्य बना दिया गया है। और यही बनारस के कुछ ट्रेनों की समय सारिणी पीछे हमारे देख सकते हैं। तो चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पे और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना साफ सुथरा और वीआईपी श्रेणी का इस प्लेटफार्म, कितना साफ सुथरा वीआईपी श्रेणी का प्लेटफार्म बना दिया गया है बनारस स्टेशन को। तो गाइज, एक बात आपको तो बताना भूल ही गए कि रात में हमने मोनू भैया को इंस्टा पे मैसेज किया था, तो मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया था उनसे, तो उन्होंने कहा कि आइए कल पटना या जयनगर में आपसे मुलाकात होगी। तो चलते हैं, देखते हैं पटना पे या जयनगर में उनसे मुलाकात होती है कि नहीं। ठीक है, तो यात्रा में बने रहिए और एंड टू एंड जर्नी देखिए क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और मोनू भैया से मुलाकात होगी वो तो अलग। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं सुबह के 6 बजने को है और हम आ चुके हैं अपने बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे। तो प्लेटफार्म नंबर 2 पे अपनी लगी है बनारस से और ये हमारे पीछे देख सकते हैं अपनी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 पे लग चुकी है, काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो अपने काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस की बात करें तो ये बनारस चलकर पटना तक इसका ट्रेन नंबर है 15125 और ये ट्रेन सुबह के बनारस स्टेशन से 6:25 पे खुलती है और अपनी काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस को पहली बार शुरू किया गया था 12 मार्च 2018 को। तब से ट्रेन लगातार डेली बेसिस पे चल रही है और इस ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन बनारस से पटना तक टोटल 5 स्टेशन पे रुकती है और 5 स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमको पटना पहुंचा देती है दोपहर के करीब 11 बजे। ट्रेन बनारस से पटना के बीच की 233 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 40 मिनट में तय करती है। 4 घंटे 40 मिनट में हमको बनारस से पटना पहुंचा देगी, एकदम सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और लगभग दोपहर को हमको 11 बजे पटना छोड़ देगी। तो ये डेली बेसिस पे एक चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन है और ये अपनी रैक शेयर करती है महामना एक्सप्रेस के साथ। महामना एक्सप्रेस के साथ ये अपनी रैक शेयर करती है। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे इसको ऑपरेट करता है। स्पीड की बात करें तो टोटल 110 किमी पर आवर्स की स्पीड से चलती है अपनी काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का इंटीरियर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रेन कितना खाली खाली दिख रहा होगा, एकदम टोटली हमारी जो जर्नी है D9 कोच में है और टोटली एकदम पूरा सीट पूरा देख सकते हैं खाली ही दिख रहा होगा। तो अपने टिकट फेयर की बात करें तो अपना बनारस से पटना तक ट्रेन का किराया पड़ा 137 रुपये के लगभग पड़ा है और आप देख सकते हैं ट्रेन एकदम पूरा का पूरा खाली है और D9 में ये रहा अपना सीट नंबर 51 सीट नंबर, विंडो साइड सीट मिला है। तो आइए एक नज़र मार लेते हैं अपने वॉशरूम की क्या कंडीशन है। ड्रेसिंग के पास का मिरर देख लीजिए, इसको साफ़ सुथरा नहीं किया गया है
इसमें दाग धब्बे दिख रहे हैं। और बेसिन की बात करें तो बेसिन काफ़ी साफ़ सुथरा क्लियर है। और यहाँ पे आपको पानी पीने के लिए मिल जाएगा सिस्टम। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फायर एग्जीबिशन गायब है यहाँ से। और बाथरूम का नज़ारा देख सकते हैं, मिरर एकदम क्लियर है और काफ़ी बाथरूम साफ़ सुथरा है। नीचे अपने इसमें भी पानी आ रहा है और एकदम बढ़िया है। और यहाँ पे आपको हैंगर मिल जाएगा और फ्लश करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लश बटन दिया गया है। तो कुल मिला जुला के अपनी ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छी ट्रेन है। लोग आप देख सकते हैं बनारस स्टेशन से अपने ट्रेन का एकदम राइट समय टोटल 6:20 पे डिपार्चर हो चुका है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेशन पे। और सामने देख सकते हैं लगी अपनी बनारस से लोकमान्य तिलक जाने वाली बनारस लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस। और सुबह सुबह का टाइमिंग है और सुबह सुबह आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा अपनी ट्रेन कर्व लेते हुए, कितना बेहतरीन नज़ारा दिख रहा होगा आपको। अब सामने बनारस का ओवरब्रिज दिख रहा होगा, हाल ही में अभी इसको बनाया गया है। और आइए चलते हैं अपने सीट पे। और सीट पे देख सकते हैं यहाँ पे डबल चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। और कृपया ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सीट प्रदान करें। और दोनों तरफ लगभग चार्जिंग पॉइंट दिया गया है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप सुरक्षा के दृष्टि से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकने के बाद ही दरवाज़ा खोलना है आपको, इसके पहले कृपया दरवाज़ा ना खोलें। और सामने लगा है DLW का बना इंजन, कितना बढ़िया है। स्पेशल पैसेंजर वाराणसी से चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन धैर्यो सोने ये रास्ते तो यहाँ से लग रहा है अपनी ट्रेन में भीड़ होना शुरू होगा क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसेंजर हैं। हम लोग आ चुके हैं बनारस जंक्शन पर। बनारस से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉपेज वाराणसी जंक्शन पे। वाराणसी जंक्शन का स्टेशन कोड की बात करें तो BSV इसका स्टेशन कोड हुआ। और नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करें तो टोटल 9 प्लेटफार्म है यहाँ पे। और अपनी ट्रेन यहाँ पे वाराणसी जंक्शन पे समय से पहले यानी 2-3 मिनट बिफोर आ गई है। तो यहाँ पे इसका 6:35 का टाइम था और ये हमको 6:35 पे लाके यहाँ पे
छोड़ दी यानी समय से पहले, तो यहाँ पे इसी स्टेशन पे इसका टोटल 5 मिनट का हॉल्ट है, और फिर यहाँ से चलेगी है तो सीधा मुगलसराय में रुक मिलेगा। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट और बिजी रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी एकदम खाली खाली साफ सुथरा स्टेशन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 6:40 हो चुका है और हमारी ट्रेन का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या
लखनऊ से इसी पर आ रहे थे तब तक बीस घंटे डाइवर्ट कर दिया था पहले। अच्छा हाँ, फिर बहुत अच्छा हुआ कि ट्रेन बहुत सही थी, इस वजह से ट्रेन ना खड़ी थी, वो ट्रेन दो एक मिनट लेट भी खुल गई होती टिकट कमाएंगे। चलिए आएगा तो बनवा लीजिएगा। ओके तो 7:45 हो रहे हैं और हम अपने समय से करीब 15 मिनट की देरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आ चुके हैं। तो इस ट्रेन का टाइमिंग था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे 7:30, लेकिन हमको ये 15 मिनट की देरी से लगभग 7:45 पे अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे लेके आई है। तो नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करें तो इसका नंबर ऑफ प्लेटफार्म संख्या 8 है। स्टेशन की बात करें तो पहले इसका नाम मुगलसराय हुआ करता था, लेकिन इसको चेंज करके 2018 में इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया और ये दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे पड़ता है स्टेशन, और स्टेशन कोड हुआ इसका DDU। स्टेशन को खोला गया था लगभग 1862 में और 1961 में इसको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया था। तो अपने मुगलसराय में अपना सबसे बड़ा यहाँ पे यार्ड है, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे है, और यहाँ से लगभग हर जगह के लिए आपको ट्रेनें मिल जाएगी। मेन जंक्शन पॉइंट है, 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ये ट्रेन लगभग यहाँ पे 15 मिनट की देरी से आई है। तो अब देखिए कब तक इसको खुलने का इसका टाइम होता है। और ये आ गई वाराणसी बरका काना डेमू स्पेशल ट्रेन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे 5 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे ट्रेन हमको 7:45 पे लेके आई थी और 7:50 पे यहाँ से डिपार्च भी हो गई केवल 5 मिनट रुकने के बाद। और सामने खड़ी है कोलकाता जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस जो V4 इंजन के साथ चलती है। DDU जंक्शन से दिल्ली जाने वाली मालदा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन
जो मालदा से चलकर दिल्ली को जाती है। मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस तो वाराणसी से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने तीसरे स्टॉपेज दिलदार नगर स्टेशन आ चुके हैं। दिलदार नगर 3 प्लेटफॉर्म का छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली हावड़ा मेन रूट पे पड़ता है। तो अभी आप यहाँ से आपने देखा सीमांचल एक्सप्रेस निकली है। तो मात्र 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद दिलदार नगर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप बक्सर पे। दोस्तों वाराणसी से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन बक्सर स्टेशन पे आ चुकी है। नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करें तो 2 प्लेटफार्म का छोटा सा स्टेशन है बक्सर और स्टेशन कोड हुआ BXR। तो 2 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज आरा जंक्शन पे। बक्सर की बात करो तो बक्सर महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली हुआ करती थी। यहाँ उतर के आप उनके तपोभूमि आश्रम पे जा सकते हैं। तो ये थी बक्सर की स्टोरी और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। तो दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद बक्सर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। ये ट्रेन अभी भी 10 मिनट की देरी से चल रही है। तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। बक्सर की बात करें तो ये भी ठीक ठाक ही स्टेशन दिख रहा है। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और भगवान राम की शिक्षा स्थली बक्सर में आपका स्वागत है। दोस्तों वाराणसी से 184 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग अपने 5वें स्टॉपेज आरा जंक्शन पे आ चुके हैं। आरा की बात करें
तो तीन प्लेटफार्म का छोटा सा स्टेशन है शंकर डुआ ARA। तो दो मिनट के स्टॉपेज के बाद आरा जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो अब मिलते हैं सीधा पटना जंक्शन पे। यहाँ से अपना मुगलसराय जोन ख़त्म होके दानापुर जोन में आरा जंक्शन पड़ता है। नहीं रुके, बढ़ा दी। अरे थोड़ा ऑटो पकड़ के आ जाना उसके लिए क्या देख। हाँ नहीं रुको, हर बार रुका है, हमेशा तो रोका करता है, एक मिनट के लिए रोका लेकिन एक अरे ट्रेन हमेशा रुकता है। तो दोस्तों बनारस से लगभग 233 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने लास्ट स्टॉपेज पटना जंक्शन पे आ चुके हैं। पटना जंक्शन के स्टेशन कोड की बात करें तो PNB स्टेशन कोड हुआ इसका, और टोटल 10 प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन पे। और पटना स्टेशन दानापुर मंडल के ECR जोन में पड़ता है, यानी ईस्टर्न सेंटर रेलवे जोन में पड़ता है। हमको पटना जंक्शन पे अपने राइड समय 11 बजे से लगभग 20 मिनट के देरी से हमको यहाँ पे पटना जंक्शन लाई है, तो लगभग 20 मिनट देरी से यह है, पर पता नहीं क्यों इसने इतना लेट कर दिया। तो अब अगर आप भी अगर इसमें जर्नी करना चाहते हो तो अच्छी ट्रेन है, आप इसमें एक बार जर्नी अवश्य करें। पटना से आपको हर जगह के लिए लगभग हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ठीक, हम अपनी जर्नी का यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों हम लोग पटना जंक्शन पे आ चुके हैं और देखते हैं कि मोनू भैया से मुलाकात होती है कि नहीं।
तो यहाँ पे एक और अपने फैमिली मेंबर मिले हैं, क्या नाम हुआ भाई आपका? विजय। विजय जी आप कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से आए हैं? यस। अरे हम भी तो बनारस से ही आए हैं। हाँ। कब आए, किस ट्रेन से आए थे? कल हम आए थे पटना जनशताब्दी से, और फिर उसके बाद इंटरसिटी से यहाँ पे आए। अरे तो इंटरसिटी से तो हम भी आए हैं। अरे इंटरसिटी से रात में हम यहाँ आए हैं, उसके बाद हमने अक्षय भैया को मैसेज भी किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बोले कि हम मिलेंगे वहीं पे। अच्छा, आपका कंटेंट किस तरह का होता है? आप ही का है, यात्रा ऑन ट्रैक, मतलब ट्रेन ट्रेन जर्नी, ट्रेन जर्नी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं भाई। देख लो, ट्रेन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं भैया, तो इनको सपोर्ट करो, इनके चैनल पे जाओ, आप देखो कंटेंट किस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे ना तो सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है? जी जी। अगर कुछ गलत भी लगे तो बताइए, आप लोग बताइएगा तभी ये इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? आप तो नहीं बताइएगा भैया ये सुधार कीजिए वो सुधार कीजिए, तो ये अकेले तो बनाते रह जाएंगे। जैसे आप लोग हमको बोलते हैं कि भैया इस तरह का कंटेंट बनाइए, थोड़ा सा चेंजिंग कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो हम करते हैं, उसी तरह इनको भी बताइए ताकि ये चेंजिंग कर सके, आपके लाइक कंटेंट बना सके। वैसे देखिए इनके चैनल को विजिट कीजिए, और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिए। यात्रा ऑन ट्रैक, यात्रा ऑन ट्रैक। और मोनू भैया का भी चैनल है वीएस मोनू ब्लॉग करके, उनको सपोर्ट करिए। और इनका दूसरा ब्लॉग चैनल भी है जो मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, विश्वजीत सिंह मोनू ब्लॉग, उसको भी सपोर्ट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई, मिलकर काफी अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया।